बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम अरशे शरीफ के मुतल्लिक बात करेंगे कि सीनियर सहाफ़ी अनवर बेग ने इंकशाफ किया कि मेरी अरशे शरीफ से मौत से चंद मिनट पहले बात हो रही थी। उन्होंने मजीद अरशे शरीफ को क्या कहा, आज की इस वीडियो में हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोज रेगुलर मिलती रहेंगी। शहादत से कुछ पहले मेरी अरशे शरीफ से बात हो रही थी, फिर इनका नंबर बंद हो गया। सीनियर सहाफी अनवर बेग का इंकशाफ। इस्लामाबाद डेली पाकिस्तान ऑनलाइन सेनेटर अनवर बेग ने इंकशाफ किया है कि शहादत से कुछ पहले इनकी अरशे शरीफ से बात हो रही थी। निजी न्यूज चैनल जी टीवी के प्रोग्राम में अनवर बेग ने इंकशाफ किया कि इनकी 9:49 पर अरशे शरीफ से फोन पर बात हो रही थी। गुफ्तगू के दौरान अरशे शरीफ ने अचानक ये कहकर फोन काट दिया कि बॉस, मैं 3 मिनट बाद फोन करता हूँ। अनवर बेग के मुताबिक अरशद शरीफ बहुत ही पुरसकून रहते और तफसीली गुफ्तगू करते थे, लेकिन फोन काटते हुए वो जल्दी में लगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि फोन काटने के 2 से 3 मिनट बाद अरशद शरीफ का मैसेज आया कि वो 3 घंटे बाद कॉल करेंगे, क्योंकि वो नेटवर्क एरिया से बाहर जा रहे हैं। अनवर बेग का कहना है कि उन्होंने जवाबी मैसेज किया कि वो सोने लगे हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो रही है। अरशद शरीफ ने इनका ये मैसेज नहीं देखा क्योंकि वो कवरेज एरिया से बाहर निकल चुके थे। सीनियर अनवर बेग का कहना है कि इनकी अरशे शरीफ के साथ गपशप होती रहती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस जगह पर हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा कि बाय, खुदा हाफिज़।